अच्छा देखो, अपना लास्ट लेक्चर में जो हुआ था वो प्रैक्टिस कोड था, तो अगर जिसने भी मिस किया है तो जाके एक बार वहाँ पे देख लें, कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग डेटाबेस का कुछ कमांड है, हम लोग खाली वो देखेंगे। इसमें जो हम लोग अभी इसके पहले जो देखे थे वो सब टेबल कमांड थे, लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ओके। बट कुछ कमांड ऐसे हैं जो खाली डेटाबेस के साथ ही हम यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग वो सब देखेंगे जो हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ यूज भी किए हैं और कुछ आपको इसमें नया मिलेगा, ओके। सो इसमें जो फर्स्ट कमांड है, दिस इज लाइक क्रिएट डेटाबेस। आपको नाम से ही मालूम पड़ जाएगा इसका यूज क्या है। तो इसका यूज क्या है, एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग ना वन बाई वन एक बार करके भी देख लेंगे। इसे मान लो मैं यहाँ पे चलो एक डेटाबेस लेता हूँ, बनाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस। आप एसक्यूएल में लोअर केस अपर केस दोनों लिख सकते हो, बिकॉज ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाया टेस्ट करके, ठीक है, टेस्ट करके बनाया, ओके। तो आपको मैसेज आया कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल, मतलब आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हुआ। अभी आपको देखो जो ये मैं जो यहाँ से क्रिएट किया हूँ ये मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू डेटाबेस नाम दो यहाँ पे, ओके क्लिक करो, ये ऐसा ऑप्शन खुलेगा। आप यहाँ से भी बना सकते हो, आप उसको टेस्ट, मैंने टेस्ट वन दिया, चलो टेस्ट वन। तो जो आप कमांड से कर सकते हो, आपके पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में डायरेक्टली ऑप्शन भी होता है कि आप डायरेक्टली वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। देखो आपको टेस्ट भी बना यहाँ पे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो टेस्ट एंड टेस्ट वन, देखो आपको दोनों मिलेगा यहाँ पे, ये टेस्ट है, ये आपका टेस्ट वन है, ओके। जैसे आप लोग जो भी डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप जो डेटाबेस लिस्ट आता है आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जो जो भी टेस्ट सिलेक्ट कर, मैं टेस्ट सिलेक्ट करूँगा, टेस्ट वन चाहिए, टेस्ट वन चाहिए, तो ये आपके पास ऑप्शंस है। बट अगर ऑप्शन के साथ जाना नहीं है, वो कमांड जाना है, तो कमांड के लिए आप क्या यूज करोगे, यूज कमांड। यूज मैंने टेस्ट किया, इससे क्या होगा, आपका टेस्ट ओपन होगा। ध्यान देना, देखो यार टेस्ट ओपन हो गया, ओके। मैंने टेस्ट वन किया तो क्या ओपन हो गया, टेस्ट वन ओपन होगा। तो यूज कमांड यूज करके आप डेटाबेस को स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मुझे कौन से डेटाबेस में काम करना है। मैं यहाँ पे दिया यूज बगिस्ट ऑफ ईयर, तो मैं डेटाबेस बगिस्ट ऑफ ईयर में चला गया। फिर तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड डेटाबेस रहेगा वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अवेलेबल डेटाबेस में आपका सिलेक्टेड जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये आपका फर्स्ट कमांड क्रिएट, सेकेंड है आपका यूज। यूज सिंपली क्या है, स्विच टू अ स्पेसिफिक डेटाबेस, ओके। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप डेटाबेस। सिंपली जैसे हम लोगों ने यहाँ से क्रिएट किया, आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन देखो, मैं डिलीट क्लिक करोगे तो पूछेगा डिलीट करना है, ओके किया, डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। ये था आपका ऑप्शन के थ्रू, बट कमांड पे जाना है तो आप बोलो ड्रॉप डेटाबेस, उसको बताना पड़ेगा ड्रॉप डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, टेस्ट। तो क्या करेगा, टेस्ट को डिलीट करेगा। हाँ एक बात और, अगर मान लो आपका टेस्ट ओपन है, मैंने अभी डिलीट नहीं किया नहीं है, मैं टेस्ट को ओपन करके रखा हूँ, अभी मैं किस डेटाबेस में हूँ, टेस्ट के अंदर, मैं टेस्ट डेटाबेस के अंदर होने के बाद हूँ और मैं उसी को डिलीट कर रहा हूँ, तो मुझे डिलीट करने नहीं देगा। क्यों, मुझे क्या बोलेगा, कैन नॉट ड्रॉप द डेटाबेस टेस्ट बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज, ये आपका यूज में है, ओके। तो कभी भी जो भी डेटाबेस आपको सिलेक्ट डिलीट करना होगा, ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर कमांड थ्रू जा रहे हो तो ये डेटाबेस आपका यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई अदर डेटाबेस ओपन है तो आप डायरेक्टली उसको क्या करोगे, यहाँ पे लाइक ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट, तो देखो आपका डिलीट हो गया। अब ओपन करने जाओगे तो डेटाबेस आपको इसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, डेटाबेस टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो ये सब कमांड है जो आप मतलब बिना ऑप्शन थ्रू डायरेक्टली आप कमांड से इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका अल्टर डेटाबेस। देखो मैंने अभी अल्टर का यूज कर खाली चेंज नेम का लेके आया हूँ, बाकी इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है जो आप SSMS मतलब SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से कर सकते हो, तो कमांड से भी कर सकते हो, ओके। यहाँ पे सिंपली एक दिखाया हूँ मैं खाली कि अगर डेटाबेस का नाम चेंज करना हुआ तो काम करो, मैं वापस ही डेटाबेस बनाता हूँ क्रिएट टेस्ट करके, ओके। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर टेस्ट है यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करके मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। देखो नाम करके मैंने यहाँ पे दिया टेस्ट _ ABC, तो डेटाबेस आज चेंज हो गया, टेस्ट ABC हो गया यहाँ पे, ओके। और इसमें अगर मैं चेक करूँगा तो मुझे यहाँ भी क्या मिलेगा, टेस्ट ABC। जो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन साथ कर पा रहा हूँ, ओके, वो आप कमांड के साथ भी कर सकते हो। तो कमांड के साथ क्या करना है, यहाँ पे
सिंपली अल्टर डेटाबेस, जो आपका ओल्ड डेटाबेस का नाम है, मॉडिफाइंग कमांड आएगा, नेम क्या नेम रखना है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या बोलोगे, जैसे बोलो टेस्ट है तो यहाँ बोलोगे अल्टर डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, टेस्ट, क्या करना है इसको मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई करना है, नेम, नेम क्या रखना है आपको मालूम नहीं, दिया टेस्ट 1 2 3। ओके, अगर ये मैं मॉडिफाई किया, टेस्ट रिकॉर्ड डिलीट तो नहीं हो गया, यूज टेस्ट करो, है यहाँ पे मॉडिफाई नेम इज इक्वल टू दिस, ओके सिंगल कोट नहीं आएगा। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ, द डेटाबेस नेम टेस्ट 1 2 3 हैज बीन सेट। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ना, तुरंत देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। चलो मैं टेस्ट 1 2 3 को यहाँ देता हूँ टेस्ट ABC, जैसे रन करूंगा देखना आपका ऊपर भी तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा, ये देखो यहाँ पे तुरंत चेंज हुआ। तो फिर देखो ये सब ना वही वही अगर बोलो, ये सब अपने पास ऑप्शंस के थ्रू में जा सकता हूँ, बट अपने पास कमांड भी है तो कमांड का भी नॉलेज लेके रखो। ओके, नेक्स्ट है आपका ESP हेल्प DB। देखो अगर मैं डायरेक्टली डेटाबेस अगर बंद है तो मैं डेटाबेस के अंदर आके डेटाबेसेस के अंदर मैं चेक कर सकता हूँ मेरे पास कितनी डेटाबेस है, अमेजोन है, बिल इन पेमेंट करके बनाया हूँ मैं, बगिस्ट ऑफ ईयर है, डिजी कॉस्मो, ई कॉमर्स, बहुत सारे डेटाबेस हैं। ओके, तो ये था आपका ऑप्शन के थ्रू। अब यहाँ पे अगर मैं ESP HELP DB इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली पूरा लिस्ट ला के दे देगा क्या आपके पास क्या क्या डेटाबेस है। ओके, कौन सा डेटाबेस का साइज क्या है, ये आपको पूरी हिस्ट्री दे रहा है आपको, उसका साइज क्या है, ये डेटाबेस किस यूजर ने बनाया था, ये यूजर कौन सा है मालूम है, जब आप लॉग इन करते हो ध्यान दो यहाँ पे आता है इसका सर्वर यूजर नेम डेस्कटॉप, ये देख रहे हैं आप NFAS 92 करके दिया है, तो जिसके थ्रू ये डेटाबेस बना रहेगा, तो ये जो देखो जहाँ पे SA करके आ रहा है ये डेटाबेस बाई डिफॉल्ट अपने आप आता है, ये सिस्टम का होता है, ये जो देखो सिस्टम डेटाबेस यहाँ पे देख रहे हो, मास्टर मॉडल MSDB टेम्प डेटा, ये भी डेटाबेस है बट सिस्टम का है। तो यहाँ पे एक कब बना था, जब मैं SQL सर्वर इंस्टॉल कर रहा था तब उसी टाइम ही बन गया था, तो उस टाइम इसका यूजर SA था। ओके, बाकी जितने डेटाबेस है वो मैंने बनाया है मैन्युअली, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ठीक है इसका साइज ये है, ये डेटाबेस यहाँ पे बना है, ये DB का ID क्या है। तो सिंपली इन शॉर्ट एक जगह कमांड रन करके आप इसका स्टेटस पूरा चेक कर सकते हो कि डेटाबेस कब बना था, सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और किसी स्पेसिफिक एक का चेक करना होगा, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ कि ये बगिस्ट ऑफ ईयर लेक्चर कब बना था। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो मुझे ये थोड़ा और डीप में बताएगा, ठीक है ये बगिस्ट ऑफ ईयर है, इसका साइज ये है, ओनर ये है, इसका डेट ये है। ओके, एंड इसका फाइल जो बना है डेटा फोल्डर के अंदर उसका लोकेशन क्या है, देखो इसका लोकेशन क्या है, सी ड्राइव के अंदर, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो वहां पे डेटाबेस बना के रखा है। चलो चेक करते हैं इसको, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहां से, हाँ देखो जितने भी डेटाबेस बना है सब यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, देखो सब यहां पे अवेलेबल है, तो डेटाबेस आप यहां से रन करते हो तो उसकी फाइल कहीं ना कहीं बनती है। ओके, और इस डेटाबेस का आप प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो कि क्या इसका साइज है, जो भी है, तो यहां पे देखो मान लो 8 MB दिखा रहा है, इसका साइज भी आपको बताएगा। तो इन शॉर्ट एक कमांड रन करके आप उसका पूरा स्टेटस चेक कर सकते हो क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये ए जो कमांड आपने रन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको दोनों दिखाया, एक तो DB का प्रॉपर्टीज और उसका फाइल का प्रॉपर्टीज, और किसी किसी का खाली प्रॉपर्टीज चेक करना होगा कि यार उसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये लाइन आपको हेल्प करेगा। बट उसके लिए जो करंट DB ओपन रहेगा, मान लो करंट DB कौन सा ओपन अभी यहाँ पे है, टेस्ट ABC, तो उसका बताएगा टेस्ट ABC का पाथ क्या है। तो यहाँ पे आया कि टेस्ट ABC जो है वो इस लोकेशन पे है, जो डेटाबेस में कुछ और ऊपर करके रखा हूँ, मान लो मैं बगिस्टा में लेक्चर कर रखा हूँ, मुझे उसका स्टेटस देगा वो। देखो अभी वो किसका स्टेटस आया, ये इसका स्टेटस आया, मतलब ये जो कमांड है आपका स्पेसिफिक करंट डेटाबेस का आता है, ये जो कमांड है आप मैनुअल चूज कर सकते हो कि आपको किसका चेक करना है। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस कमांड है
उसका यूज करके आप मतलब ये सब ऑप्शन शुरू भी जा सकते हो, बट काम फास्ट करने के लिए ये सब कमांड आपको यूजफुल में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो इंटरव्यू लेवल पे आपका ये जो डेटाबेस का नाम का चेंज कर रहा है, कैसे स्विच करते हैं इसका, डेटाबेस का ड्रॉप डिलीट करते हैं, ये सब बहुत बेसिक कमांड है, बट इंटरव्यू लेवल में बहुत कन्फ्यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कोई ड्रॉप डेटाबेस के जगह डिलीट डेटाबेस ही बोल देता है, तो सब पता होना चाहिए कि कौन सा कमांड यहाँ पे आएगा। तो सिंपल कोड है, सब याद करके रखो। ओके, इसमें किसी कुछ डाउट है एनीवन? अभी देखो, अभी ना इसके बाद ना मैं सिंपल सा थोड़ा प्रोग्रामिंग पार्ट दिखाऊंगा, एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग पार्ट भी है, तो मैं थोड़ा बेसिक दिखाऊंगा, बाद में इसमें आएगा तो प्रोसीजर चालू करूंगा नेक्स्ट, तो जिसमें आपको यूज में आएगा। फिर देखो जैसे अभी यहाँ पे किसने किसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया है वो पता नहीं, बट एक बेसिक नॉलेज लेके रखो। जैसे आपका जावा स्क्रिप्ट होता है, ओके, एंड जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कोई अदर लैंग्वेज सी शार्प हो गया, तो अदर लैंग्वेजेस में आपको वैल्यू सेव करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करनी पड़ती है। ओके, जैसे मान लो अगर जावा स्क्रिप्ट में करना है तो हम लोग करते हैं वेयर आई इक्वल टू मान लो 10 है, तो यहाँ पे आई एक इंटीजर वैल्यू इंटीजर डिक्लेयर होता है और इसके अंदर वैल्यू सेव हुआ। ओके, से अगर सी में करना हो, सी शार्प में करना हो, तो आप लोग यहाँ पे लिखते हैं इंट आई इक्वल टू मान लो 10, तो ये ऐसे वेरिएबल लिखते हैं। यहाँ पे आई आपका वेरिएबल है, मतलब होता क्या है, आई नाम का एक मेमोरी बनता है। ओके, उसके अंदर वैल्यू 10 सेव है। वैल्यू किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, मतलब इंटीजर मतलब क्या है, नंबर है। सो ऐसे हम लोग एसक्यूएल में भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो मैं सिंपल से हम लिखाता हूँ हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, देखो अभी इसमें कैसे होगा, इसका सिंटेक्स कैसा होता है, डिक्लेयर आई ग्रेड वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप, ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये आपका है, ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, सिंटेक्स देखो ध्यान देना, ये है डिक्लेयर वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप, तो यहाँ पे एज ग्रेड सिंबल आएगा। इसका कैसे आएगा, यहाँ पे डिक्लेयर एज ग्रेड आई इंटीजर। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट एट गेट आई, देखो मैंने वैल्यू डिक्लेयर किया, उसमें कोई वैल्यू सेट नहीं किया, तो मुझे वैल्यू यहां पे क्या आया, नल आया। अगर मैंने यहां पे दे दिया मान लो 10, तो यहां मुझे क्या मिला, 10 मिला। तो यहां पे प्रिंट करने के लिए जो सिलेक्ट कमांड रहता है आप वही यूज करोगे। ओके, जैसे मान लो आपके पास दो तीन वेरिएबल हो गया, डिक्लेयर आई ग्रेड जे इंटीजर इक्वल टू 20। ओके, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट आई को प्रिंट किया, कॉमा आई ग्रेड जे को प्रिंट किया, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको देखो कैसे आएगा, तो आई है या पर 10 है, तो अगर इसको खाली रन करूँगा तो आपको एरर देगा। क्यों, इसको आई एंड जे मिला नहीं, तो जितना पार्ट आप सिलेक्ट करते हो एसक्यूएल उतने को रन करता है, तो वो इतने को अपना एरिया समझता है। तो ध्यान देना कि कभी भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो पूरे साथ में रन होना चाहिए, मतलब आपका वेरिएबल डिक्लेयर है, अगर खाली आपने इतना रन कर दिया तो भी आपका आउटपुट नहीं आएगा, तो आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, अगर वैल्यू मैं यहाँ पे सेट नहीं करता हूँ, मुझे बाद में सेट करना है। ओके, अगर आप ऐसे दोगे ये आपको यहां पे एरर देगा। ओके, इसके लिए आगे लिखना पड़ता है सेट, ऐसे तब तब आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद कभी भी वैल्यू अगर सेट करनी हुई तो उसके आगे आपको सेट लिखना पड़ेगा, सेट एज वेल आई इक्वल टू 10, सेट एज वेल जे इक्वल टू 20। उस टाइम अगर मैं प्रिंट करता हूं तो आपको कैसा आएगा, आई 10 जे 10। अगर मान लो मैंने एक डिक्लेयर किया यहां पे, डिक्लेयर एज ग्रेट टोटल इंटीजर, ओके, मैं यहां बोलूंगा सेट एज ग्रेट टोटल इज इक्वल टू एज ग्रेट आई प्लस एज ग्रेट जे। ओके, सो यहां पे बोल दूंगा, ऐसे भी बोल सकते हो सिंगल कोट में, या ऐसा बोल दो यहां पे
एट ग्रेट टोटल। तो इस केस में अगर आप देखोगे इसको तो आपका जो आउटपुट आएगा तो कैसे आएगा, i10 20 30। ओके सो इसमें जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बाद में ये सब आपको इसके अंदर लूपिंग भी है, इफ एल्स स्विच केस सब कुछ आएगा इसके अंदर, तो वहाँ पे मैं ये सब बहुत मतलब बार बार यूज होगा, तो यूज करने से पहले आपको इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए कि हम लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू कैसे सेट करेंगे, उसको अगर प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो कहीं भी प्रिंट करने के लिए इसमें कमांड सेलेक्ट ही है, वैल्यू बाद में सेट करना है तो उसका कमांड सेट करके कमांड है, सेम टाइम पे करना है या इधर वैल्यू दे दो। ठीक है, इसमें है किसी कुछ डाउट, बेसिक बेसिक कोड है इसमें। ये एट द रेट क्या है सर, ये कमांड का पार्ट है क्या? नहीं, कमांड का पार्ट है। एट द रेट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एट द रेट को एट द रेट से इंडिकेट करना पड़ता है। क्योंकि कभी कैसा होता पता है, अगर आप टेबल क्रिएट करोगे, नोटिस किए होगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये लिखते हैं कॉलम का नाम डायरेक्टली, लाइक स्टूडेंट आईडी। ओके सेम अगर जब हम लोग प्रोसीजर बनाएंगे, एक मैं सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर प्रोसीजर बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मान लो क्रिएट प्रोसीजर प्रोक एबीसी। ओके यहाँ पे मैंने, तो उस टाइम अगर मैं वेरिएबल देना होगा तो मैं ऐसे दूंगा ऐसे। ओके तो यहाँ पे जो एडगेट सिंबल दूंगा तो उससे उसको मालूम पड़ता है, ठीक है ये जो नाम है ये वेरिएबल है, बट कभी कभी मैं इसको इंसर्ट कमांड यूज करूंगा वहां पे वेरिएबल इसको कमांड दूंगा तो वो डायरेक्टली आएगा, वो ये सब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बाद में। बट ये जो एडगेट सिंबल है ये अभी आपका इसका सिंटेक्स का पार्ट है वो, ठीक है। और ये ध्यान देना अदर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इंटीजर पहले आता है, मतलब ऐसे आता है इंटीजर आई इक्वल टू 10, बट एसक्यूएल में ये आपको उल्टा होता है, ये इधर आता है, वेरिएबल पहले आता है। तो ऐसे आप एक याद रख सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, चलेगा इसमें तो इतना ही अभी रखो, बाकी नेक्स्ट में मैं प्रोसीजर स्टार्ट करने का प्लान किया हूँ, तो इसके लिए पहले आपको मैंने ये सब बता दिया, प्रोसीजर बताऊंगा या कुछ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा इसमें, ये फील्स फॉर लूप स्विच केस ये सब आएगा, उसका यूज करके हम लोग इसमें सेलेक्ट कमांड में यूज करेंगे, तो उससे आपको डिटेल आइडिया मिलेगा कि कैसे काम करता है। ओके okay.